Visualization is a crucial step of data understanding. Although it's not mandatory, but one should have knowledge of visualization because visualization of data opens your mind and provide a deep insight of data जो कि statistical numbers fail हो जाते हैं provide कराने में. Sometimes statistical numbers doesn't make sense. And if you don't have enough knowledge about your data you are working on and still you get considerable accuracy, तो मैं समझता हूँ कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी and you can easily find outliers etc. just while looking at it. This is Neil, welcome back. Last video में हमने देखा some features of PUBG dataset and देखा कि उनका क्या effect हो सकता है target variable पर. We will see all these things statistically in later videos. And आज की इस video में हम देखेंगे some visualization of our data. So start करते हैं. Okay, credit goes to EDA is fun kernel of Kaggle and we can use some code publicly available on Kaggle. I'm not sure about proper rules of Kaggle. I haven't read them yet. But हम अपना code privately share नहीं कर सकते. और अगर हम code share करना चाहते हैं तो उसे publicly available कराना होगा सभी contestants के लिए. As you can see here, the average person kills players 99% of people have parenthesis kills or less, while the most kills ever recorded is parenthesis dot format train kills dot mean. In all these lines we are printing average of every feature. Average ka matlab mean value of column, lekin mean ke bare mein to aapko pata hi hoga. Agar data uniformly distributed na ho ya usme outliers hue तो एवरेज कांट रिप्रेजेंट अ ट्रू एवरेज. ये तो हुई स्टेटिस्टिक्स की बात. उसके बाद आता है क्वांटाइल. दिस फंक्शन क्वांटाइल इज यूज टू फाइंड परसेंटाइल ऑफ द कॉलम एंड परसेंटाइल डिवाइड द डेटा इनटू 100 इक्वल ग्रुप. एंड यहाँ हम देख रहे हैं कि 99% ऑफ द प्लेयर्स क्या कर रहे हैं. 99% ऑफ पीपल हैव किल्स और लेस. उसके बाद चेक करेंगे कि मैक्स वैल्यू क्या है जो कि रिप्रेजेंट करेगी आउटलायर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. लेट्स स्टार्ट विद किल्स. दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड. द एवरेज पर्सन किल्स 0.9345 प्लेयर्स ऑलमोस्ट वन प्लेयर्स. 99% ऑफ द पीपल हैव 7 किल्स और लेस व्हाइल द मोस्ट किल्स एवर रिकॉर्डेड इज 60. आई एम अज्यूमिंग यू नो पाइथन बेसिक्स. दिस पैरेंथेसिस रिप्लेस्ड बाय फॉर्मेट फंक्शन. सबसे पहले डेटा को कॉपी करेंगे ताकि ओरिजिनल डेटा अनअफेक्टेड रहे और उसके बाद डेटा डॉट एल ओ सी डेटा किल्स ग्रेटर देन डेटा किल्स डॉट क्वांटाइल 0.99. इट मीन्स 99% इक्वल्स टू 8 प्लस विच इज़ अ स्ट्रिंग. तो यहाँ क्या हो रहा है, 99% डेटा से बड़े जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें हम रिप्लेस करेंगे 8 प्लस से. अब उसे प्लॉट करेंगे यूजिंग बार प्लॉट. हियर वी आर यूजिंग सीबर्न एंड इट्स फंक्शन काउंट प्लॉट. उससे पहले डेटा किल्स में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उन सबको कन्वर्ट करेंगे हम स्ट्रिंग में और उन्हें सॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज, जिससे हम पता लगा पाएंगे कि किस कैटेगरी की कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास. जैसे कि हम इस प्लॉट में देख सकते हैं कि बहुत सी वैल्यूज हैं जो कि जीरो हैं. इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेयर एक सिंगल किल भी नहीं कर पाते. उसके बाद आता है 1 kill, 2 kill, 3 kill, 4 kill एंड सो ऑन. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो 8 से ज़्यादा किल कर पाते हैं. सेम स्टेप. उसके बाद डेटा किल्स इक्वल्स टू जीरो. इसका मतलब है कि जिन लोगों ने जीरो किल्स किया है उस डेटा को हम ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा वेरिएबल में. उसके बाद सीबॉर्न का एक फंक्शन है डिसप्लॉट और हम चेक करेंगे कि डैमेज डेल्ट यानी कि जो लोग जीरो किल्स कर पाते हैं वो कितना डैमेज होते हैं. दिस इज अ हिस्टोग्राम प्लॉट ऑफ डैमेज डेल्ट फीचर जिसमें से सिर्फ उन लोगों को कंसिडर किया है जिन्होंने जीरो किल्स किए हैं. डेटा में हमारे पास जीरो किल वाली रोज हैं तो चेक कर लेते हैं कि कितने परसेंट प्लेयर गेम जीत गए विदाउट एनी किल. प्लेयर्स हैव वॉन विदाउट अ सिंगल किल 1672 प्लेयर्स.
यानी कि 0.3338% हैव वॉन विदाउट अ सिंगल किल। सिमिलरली हम चेक करेंगे कि उन लोगों ने कितना डैमेज डेल्ट किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी डैमेज डेल्ट नहीं किया, तो ट्रेन डैमेज डेल्ट इक्वल्स टू जीरो डॉट कॉपी डेटा वन में चला गया। उसके बाद उसकी हमने लेंथ फाइंड की जहाँ पर विन प्लेस पर इक्वल्स टू वन है, तो 4262 प्लेयर्स यानी 0.0978% हैव वॉन विदाउट डीलिंग डैमेज। कहने का मतलब है कि 4262 प्लेयर्स ऐसे थे हमारे पूरे डेटा सेट में 65,000 और वट एवर इज द साइज ऑफ आवर डेटा सेट में से ऐसे पीपल से 4262 प्लेयर्स जिन्होंने बिल्कुल भी डैमेज डेल्ट नहीं किया, यानी कि वो एक बार भी डैमेज नहीं हुए एंड स्टिल वो विनर हैं। नाउ कम्स माय फेवरेट पार्ट, कोरिलेशन। कोरिलेशन बिटवीन टारगेट वेरिएबल एंड किल्स फीचर। उसके लिए हम यूज करते हैं जॉइंट प्लॉट। इट्स नॉट मैंडेटरी क्योंकि हम डायरेक्ट भी कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट प्लॉट गिव सम आइडिया अबाउट डेटा टारगेट वेरिएबल एंड वन ऑफ द फीचर यूज करके उससे प्लॉट किया। इट्स अ 2D प्लॉट। ऊपर वाला हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स विन प्लेस पर विच इज आवर टारगेट वैल्यू एंड राइट वाला हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स किल्स फीचर। एंड देर इज वन थिंग मिसिंग एंड दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दीज टू फीचर्स, जो कि यहाँ कहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पियर्सन आर इक्वल्स टू समथिंग एंड पी वैल्यू इक्वल्स टू समथिंग। अपेरेंटली किलिंग हैज़ अ कोरिलेशन विद विनिंग। फाइनली लेट्स ग्रुप प्लेयर्स बेस्ड ऑन किल्स, 0 किल्स, 1 2 किल्स, 3 5 किल्स, 6 10 किल्स एंड 10 प्लस किल्स। लेट्स टॉक अबाउट बॉक्स प्लॉट। जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे स्कूल्स में हमें बार प्लॉट एंड हिस्टोग्राम्स वगैरह तो सिखाए जाते हैं, लेकिन बॉक्स प्लॉट एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन ये रिलेटेड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बॉक्स प्लॉट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन ऑफ द डेटा। लेट मी एक्सप्लेन। अपर पार्ट ऑफ द बॉक्स इज फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस पार्ट इज फर्स्ट क्वार्टाइल यानी 25th परसेंटाइल एंड लोअर पार्ट इज थर्ड क्वार्टाइल यानी 75th परसेंटाइल एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू इज नोन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। दिस थिंग इज नोन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड दिस लाइन हेयर इज द मीडियन एंड दीज एजेस आर मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ द डेटा अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड दीज डॉट्स आर आउटलायर्स। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक उनके लिए जिनकी स्टेटिस्टिक्स काफ़ी अच्छी नहीं है। फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि यहाँ ऑथर क्या करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले एक कॉपी ऑफ ओरिजिनल डेटा ताकि ओरिजिनल डेटा अफेक्ट ना हो। उसके बाद कट फंक्शन, pd.cut फंक्शन से अपनी किल्स वाली वैल्यूज को कैटेगरी में कन्वर्ट करना, जैसे कि -1 से 0 यानी 0 किल्स, 1 से 2, 0 से 2 रिप्रेजेंट्स 1 से 2 यानी 1 2 किल्स एंड 2 से 5 यानी 3 टू 5 किल्स, 5-10 यानी 6-10 किल्स, 10-60 यानी 11-60 किल्स यानी 10 प्लस किल्स। लेबल्स हमने प्रोवाइड करा दिए, 0 किल्स, 1-2 किल्स, 3-5 किल्स, 6-10 किल्स एंड सो ऑन। देन प्लॉट डॉट फिगर, फिगर साइज, SNS डॉट बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट के लिए आपको देने पड़ेंगे दो फीचर्स, किल्स कैटेगरीज जो कि अभी न्यूली क्रिएटेड है एंड हमारी टारगेट वैल्यूज विन प्लेस पर्क डेटा इक्वल्स टू किल्स। नाउ लेट्स ट्राई टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन इन दिस ग्राफ। लेट्स हैव अ गुड लुक एट द फर्स्ट बॉक्स। एज यू कैन सी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीरो किल्स इज 0 and 1, जो कि ऑब्वियस भी है कि जिन लोगों ने जीरो किल किए हैं वो विनर्स भी हैं एंड लूजर्स भी,
and most of the zero kills is grouped between 0.1 and 0.6. yani ki most of the zero kills wale players ki placement 0.1 se leke 0.6 ke beech mein rahi hai. Same goes to 1-2 kills this box, but 3-5 kills is a little different from the earlier ones. We calculate minimum and maximum of box plot using formula. Minimum find karte hain quartile, first quartile minus 1.5 क्रॉस आई क्यू आर, दिस फॉर्मूला. मैक्सिमम हम फाइंड करते हैं थर्ड क्वार्टाइल प्लस 1.5 क्रॉस आई क्यू आर, एंड मिनिमम फाइंड करते हैं हम फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 1.5 क्रॉस आई क्यू आर. इस केस में अगर हम मैक्सिमम को कंप्यूट करें तो वो 1 से बड़ा होगा, इसलिए इसे यहीं स्टॉप कर दिया. लेकिन जब हम मिनिमम फाइंड करते हैं तो वो 0 से बड़ा होगा. इसका मतलब है कि अगर इसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के साथ कंपेयर करें तो नीचे वाली साइड स्क्यूड है. अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये आउटलायर्स हैं जिन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगा तो नो प्रॉब्लम, एक्चुअली ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे हम आगे की वीडियोज़ में कवर कर लेंगे. वन मोर थिंग, ये जो ग्राफ प्लॉटिंग हम कर रहे हैं और स्पेसिफिकली EDA is fun के ऑथर ने की है, वो अपनी इंस्टिंक्ट के हिसाब से किए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी यही करें. आप अपनी इंट्यूशंस के हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस फीचर का टारगेट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट है. इन दिस वीडियो माई मोटिव इज़ टू इंट्रोड्यूस डिफरेंट प्लॉटिंग टेक्निक्स. सो द रनर्स author is doing the same thing again and again for different features. Walk distance का correlation वो देखना चाहता है अपने target variables के साथ. उसके बाद the drivers, यहाँ उसने histogram print check किया. Then joint plot, most of the time author ने joint plot use किया है ताकि वो correlation देख सके input features and target variable में. There is a small correlation between ride distance and win place per destroying a vehicle. In my experience shows that a player has skills. Let's check it. So next one is point plotting, और ये plot करेंगे with the help of vehicle destroys and target variable. क्योंकि अगर कोई point plot करना है two dimensional plane पर तो टू वेरिएबल्स तो यूज करने पड़ेंगे. हियर ऑथर यूजिंग सब प्लॉट्स ऑफ साइज 20 क्रॉस 10. सब प्लॉट जनरली एक से ज्यादा प्लॉट को एक साथ शो करने के लिए यूज होते हैं. उसके बाद पॉइंट प्लॉटिंग यूजिंग सीबॉर्न लाइब्रेरी. आई थिंक आप देख कर ये बता सकते हैं कि फंक्शन में कौन सा पैरामीटर किस लिए है, लेकिन अल्फा दिस पैरामीटर मैंने सीबॉर्न डॉट पॉइंट प्लॉट की डॉक्यूमेंटेशन चेक की, लेकिन मुझे कोई अल्फा पैरामीटर नहीं दिखाई दिया. अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. अब इट इज विजिबल कि व्हीकल डिस्ट्रॉय से जीतने के चांसेस बढ़ते हैं. आपको हर फीचर्स को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बस वही प्लॉट कीजिए जो आपको लगता है कि टारगेट वेरिएबल से कोरिलेटेड हैं. द स्विमर्स वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. You can check all these things on EDA's fun kernel. Iska link main aapko description mein de dunga. The healers. Okay. This is something new. Now heals and boost. Ek saath wahi info check karenge. Average player uses 1.2 heal items. 99% of players uses 11 or less. While in the exceptional cases, or you can say outliers uses 59. The average player uses 1.1 boost items. 99% of people use 7 or less, while the doctor uses 18, yani exceptional cases uses 18 boost. Data equals to train.copy. Data heals less than data heals.quantile. Data boost quantile. Point plot. Text. X लेवल, Y लेवल. आपको फंक्शन को देखकर ही पता चल जाता है कि विच फंक्शन इज बीइंग यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन. सो हीलिंग एंड बूस्टिंग डेफिनेटली आर कोरिलेटेड. यहाँ दोबारा से हमने हील्स के साथ अपने टारगेट वेरिएबल का जॉइंट प्लॉट बनाया.
एंड यहाँ पर बूस्ट के साथ टारगेट वेरिएबल्स का जॉइंट प्लॉट बनाया. सो हीलिंग एंड बूस्टिंग डेफिनेटली आर कोरिलेटेड विद विन प्लेस पर्क. बूस्टिंग इज मोर. इन एवरी प्लॉट देर इज एन अबनॉर्मल बिहेवियर वेन वैल्यूज आर जीरो. हेयर वी मीन बाय अबनॉर्मल ओनली प्लॉटिंग इज बीइंग शोन. There are two missing values, Pearson correlation coefficient and p values that we talked about earlier. Now the most important topic of this video, Pearson correlation. Pearson correlation is metric se hum sabhi variables ka correlation target values ke saath aur features ka aapas mein nikal sakte hain. Remember one thing, correlation between feature is not appreciated. However, if you find high correlation between target and feature, that is great. And last thing, we assume linear relationship between features and target variable. Then we compute Pearson's correlation. Iska matlab ye hua ki Pearson universal technique nahi hai to know the relation between features. There are some other technique about which we will definitely talk about in our later videos. That's it for this video. Agar aapko ye video pasand aaya तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.